बॉल के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं गोलकीपर। सुंदर खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम की ओर से, लगातार हाई वोल्टेज का मैच देखना दिलचस्प। देखिए उसी तरह लगा या फिर वायर से गोटा फिर से एक बार खेलने के पास मौका, सात नंबर अपना हाथ में किया है, यहाँ पर धीरे धीरे डी क्षेत्र में खेलने का प्रयास नहीं ले पाए। है गोटा की ओर से 15 नंबर
फुटबॉल की दुनिया में आधा गोल का इज्जत और सम्मान दिया गया है कॉर्नर किक को इस तरह का क्रॉस करेंगे अंत समय में रोमांच भरा यह मैच सेलगम्मा के बीच और फिर से बार क्रॉस किया है क्षेत्र में लेकिन मौका मिला है सेलगम्मा को लंबा प्रहार किया है लेफ्ट कॉर्नर को निकल जा रहे हैं सॉरी रॉन्ग टैकल हुआ था सब साइड में लगा गोड्डा को
कॉर्नर के बाद ये दूसरा जंप वाईएससी गोड्डा के लिए देखना दिलचस्प होगा किस तरह का शॉट जमाएंगे। बेहतर क्रॉस किया है हेड लेंथ की जरूरत थी यहां पर लेकिन खिलाड़ी पीछे रह गए। इस बार तेलगम्मा का लंबा प्रहार डेंजर जोन से बॉल को निकालते हुए अभी भी बॉल मैदान में खिलाड़ी बैठा हुआ यहां पर लेकिन डिफेंडर नौ नंबर अभी भी तेलगम्मा के पक्ष में बॉल डेंजर जोन में बॉल गोड्डा की ओर खतरा मंडराता हुआ क्या तीसरा बॉल का सक्षम रहे जो चार नंबर के पास बॉल प्रतिभागी की आई जबरदस्त लय में बेहतर करो मसाला खिलाड़ी मौजूद है और देखो क्या है आप इस समय में बॉल को निकालने में सक्षम रहे लेकिन अभी भी खतरा खड़ा रहा है गोड्डा के लिए क्रॉस है लेकिन विफल रहे हैं भाई अभी गोड्डा के पास फिलहाल बॉल 15 नंबर मंची से भी कोई सुनवाई नहीं फिर से एक बार तेलगम्मा के पास बॉल क्रॉस किए हैं चार नंबर को दिया यहां पर बेहतर खिलाड़ी हल्का हल्का सर्वस्व एक खिलाड़ी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं बॉल को डीप में बचाने का जगह बना रहे हैं कुछ सुन रहा है जैसे नंबर की है तेलगम्मा की अच्छा पास किया है या पास नहीं है पंद्रह को दिया पंद्रह ने पूरे अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया जरूर था सोलह के लिए लेकिन बॉल हमने चली फिर से एक बार तेलगम्मा के पास बॉल नटेकर के खिलाड़ी अभी अभी गरम कौन गरम मिजाज के खिलाड़ी फिर से एक बार वाईएफसी गोड्डा के पास मौका आसान नहीं होगा यहाँ पर गोड्डा को दोनों बॉल रिटर्निंग करने के लिए क्योंकि समय नहीं है ज्यादा पूरा क्लीन अपने हाथ में कर चुके हैं तेलगम्मा के खिलाड़ी दूसरे बॉल को खिलाफ आउट किया दिया हमें काफी देर रफ्तार से क्रॉस रूम के थे लेकिन ऐसी क्रॉस मसाला यहाँ पर बॉल हाथ से बॉल ऊपर जाती हुई सुजारू खिलाड़ी लाइसन टोटू तेलगम्मा की ओर से नौ नंबर एक बॉल दाग चुके हैं अपने टीम के लिए गजब की प्रतिभा इन खिलाड़ियों में सब एकाएक एक खिलाड़ी समावेश किए हैं इस मैच में पुनः एक बार गोड्डा के पास बॉल चार नंबर को दिए हैं यहाँ पर लेकिन अच्छा बचाओ रक्षा पंक्ति का फिर से एक बार गोड्डा के पास बॉल रिटर्निंग करने के प्रयास में ग्यारह नंबर के पास बॉल एक खिलाड़ी का ट्रिपल करके डी एरिया में जमने का प्रयास हल्का सा पास जरूर किया था साथ ही खिलाड़ी को लेकिन कप्तान ने अभी भी कदा चला नहीं है तेलगम्मा के लिए लेकिन तेलगम्मा के खेमे में बॉल फिलहाल आता हुआ फिर से एक बार क्रॉस करने का प्रयास किया है बेहतर क्रॉस फिर से एक बार मौका बना है तेलगम्मा के लिए साथ ही खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्रॉस किए हैं लेकिन डिफेंडर अपने आप में निश्चित तौर पे अपने आप को खोजते हुए जेल के नंबर एक ग्यारह हालांकि प्रयास अच्छा किया था इन्होंने लेकिन बॉल को सही रडार में नहीं रख पाए सही टारगेट पे नहीं रख पाए बॉल जाती हुई थी गोल लाइन के ऊपर गोड्डा के खिलाड़ी 16 नंबर रॉन्ग टैकल पर इस भाई अपने क्षेत्र से मुकाबला है वाईएमसी गोड्डा को बेहतर खेल का प्रदर्शन चित्रकोट के इस ऐतिहासिक मैदान में दर्शक कचा कच भरे हुए हैं। आज का यह पहला क्वार्टर फाइनल मैच वाईएमसी गोड्डा बनाम बीटीएमसी तेलगम्मा के बीच तेलगम्मा के बाद दूसरे बार मौका बनता जा रहा है की मांग करते हैं और पीछे भी रह पा रहे हैं
संतुष्ट होंगे अपने शॉट से। इस बार 14 नंबर में शॉट लगाया था तेलगम्मा की ओर से। लालाचार रूप मिट्टी नहीं है तेलगम्मा के खिलाड़ियों में। तीसरा गोल दागने का जो जुनून है, जो जीत है, काफी खतरनाक है। अपना मोड में इस समय तेलगम्मा के खिलाड़ी क्रॉस किया है। आप इस समय में रिटर्निंग करने का चांस तो मिला है उनको भी, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। फिर इससे पहले ही महोदय के द्वारा और मैच की समाप्ति।